नमस्कार, मैं विवेक शर्मा, आप देख रहे उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर वन न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है संजीवनी। फसल को सुरक्षा कवच, किसानों को निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज गेट नंबर 2 कॉलेज पाड़ा सिलीगुड़ी। इंटरनेशनल फर्नीचर अनबीटेबल प्राइस, विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार, जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें ए से जेड तक। जरूरत पड़ी तो बंगाल में लग सकता है राष्ट्रपति शासन, ये बातें कही है सांतन बासु ने। भारतीय जनता पार्टी कभी बंगाल को बांटना नहीं चाहती। हालांकि जिस तरह पश्चिम बंगाल में दिन प्रतिदिन कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है, इससे केंद्र सरकार को राज्य के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जरूरत पड़ने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। भाजपा के प्रदेश महासचिव सांतन बासु ने ये बातें कही। सांतन बासु ने कहा, एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद राज्य में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। धूपगुड़ी से लेकर राज्य के विभिन्न स्थानों में यही तस्वीर देखी जा रही है। इस यातना में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता शामिल है। इस तरह की घटनाएं अस्वीकार्य है। इस बीच भाजपा नेता सांतन बासु जलपाईगुड़ी में भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे और इस बीच उन्होंने ये बातें कही। सुप्रीम कोर्ट एक ही दिन एक 67 বছরের वृद्धा खेजुरी और 17 বছরের एक बालिका তাদের উপর ভয়ঙ্কর অত্যাচারের জন্য রাজ্য সরকারকে নোটিশ তাদের অপরাধ তারা বিজেপি করতেন বা বিজেপিকে সমর্থন দিত সে পরিবার 1000-এর বেশি নারী অত্যাচারিত হয়েছেন দোসরা মেয়ের পরে 1,00,000 মানুষ আক্রান্ত পশ্চিমবঙ্গে আইন শৃঙ্খলার তলানিতে এসে ঠেকেছে এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই তারই একটা সামান্য উদাহরণ এত বড়গুলো এত ঘটনার মধ্যে এটাও একটা উদাহরণ এই ধূপগুড়ির ঘটনা রাজ্যে মহিলা মুখ্যমন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও সকাল বিকেল যারা হাতরাস নিয়ে কান্নাকাটি করছেন তারা ধূপগুড়ি নিয়েও কিছু বলবেন না খেজুরি নিয়েও কিছু বলেননি তার কারণ তথাকথিত সেই মানুষেরা নানাভাবে তৃণমূলের কাছে কৃতার্থ আমি বলছি তো রাজ্য জুড়ে এই অত্যাচারের করুণ কাহিনী প্রত্যেক দিন হচ্ছে কিন্তু আমার তৃণমূলের দুষ্কৃতীদেরকে নিয়ে চিন্তা হয় না আমার চিন্তা হয় সে সমস্ত তথাকথিত বুদ্ধিজীবী নারীবাদী আন্দোলনকারীদের নিয়ে যারা মুক্তিযুদ্ধ শব্দ উচ্চারণ করেন না এই অত্যাচারের এটা খুব দুঃখজনক কথা হচ্ছে যে অপরাধ হচ্ছে কেন তৃণমূল কংগ্রেসের লোকজন এই অপরাধের সঙ্গে যুক্ত যেখানেই দেখবেন মহিলাদের উপর অত্যাচার হচ্ছে জেনে রাখবেন এটা তৃণমূল ঘটিয়েছে তৃণমূলের লোকেরা এরকম একটা অপসংস্কৃতি বলুন অত্যাচার বলুন যার জন্য তৃণমূলের লোকজন এবং রাজ্য সরকার দায়ী 67 বছরের বৃদ্ধা 17 বছরের বালিকার কথা বললাম এখনো কোনো গ্রেপ্তার এখনো কোনো ব্যবস্থা बंगाल विभाजन की साजिश के खिलाफ खून देकर करेंगे आंदोलन, ये बातें कही है उद्यान गुहा ने। पश्चिम बंगाल को बांटने की साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जरूरत पड़ी तो वे खून से बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जाएगा। तृणमूल नेता उद्यान गुहा ने कूचबिहार में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में भाजपा को इसी अंदाज में चेताया। तृणमूल कांग्रेस के कूचबिहार जिलाध्यक्ष पार्थ प्रीतम रॉय के घर में तृणमूल कांग्रेस के पत्रकार सम्मेलन में उद्यान गुहा के अलावा कूचबिहार जिले के अध्यक्ष एवं राज्य के पूर्व मंत्री विनय कृष्ण बर्मन, तृणमूल कांग्रेस के कूचबिहार जिले के प्रवक्ता शिवपद पाल और राहुल रॉय भी मौजूद थे। पत्रकारों से बात करते हुए उद्यान गुहा ने स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में अपनी हार स्वीकार नहीं कर सकी और फिलहाल वहां भड़काऊ काम कर रही है और बंगाल के विभाजन की राजनीति शुरू की है। भाजपा ने उत्तर बंगाल को पश्चिम बंगाल से अलग करने की साजिश रची है, झूठे नारे से उत्तर बंगाल के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। उद्यान गुहा ने कहा कि राज्य में ममता बनर्जी की सरकार बनने के बाद से पूरे उत्तर बंगाल में विकास की लहर दौड़ रही है। तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने हर जगह कॉलेजों, सड़कों, पर्यटन, पुलों में विकास का सिलसिला जारी रखा है और फिर से अगर कोई बंगाल को बांटने की साजिश करता है तो बंगाल को बांटने की साजिश के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। इधर बंगाल को बांटने की साजिश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पार्थ प्रीतम रॉय पहले ही कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बातें रख चुके हैं। कूचबिहार जिला अध्यक्ष कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उद्यान गुहा और विनय कृष्ण बर्मन ने कहा, मैं विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरूंगा, मैं किसी भी हाल में बंगाल का विभाजन स्वीकार नहीं करूंगा। इतना ही नहीं,
उन्होंने पिछले 10 साल का उत्तर बंगाल का विकास रिकॉर्ड पेश किया। उनके अनुसार वामपंथी काल में उत्तर बंगाल का विकास वास्तव में पिछड़ा हुआ था, लेकिन पिछले 10 वर्षों में उत्तर बंगाल का विकास शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। सड़कें, संचार प्रणाली, पुल, स्कूल और विश्वविद्यालय के साथ साथ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सभी क्षेत्रों में उत्तर बंगाल में काफी विकास हुआ है। आज के আমরা কুচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বাংলা ভাগের যে চক্রান্ত কেন্দ্রীয় সরকার তথা বিজেপি দল যেভাবে শুরু করেছে এবং আরম্ভ করেছে বিভিন্নভাবে চক্রান্ত, তারই বিরুদ্ধে আমরা আজকে এই সাংবাদিক বৈঠক করছি। এখানে উপবিষ্ট আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় কুচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের কোয়ার্ডিনেটর সম্মানীয় উদয়ন গুহ মহাশয়, এছাড়াও আছেন কুচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের স্পোকসপার্সন শিবপদ পাল এবং আমাদের যুব নেতা রাহুল রায়। আজকে আমরা এই প্রেস কনফারেন্সের ব্যাপারে সর্বপ্রথমে আমি কিছু বলবার জন্য সম্মানীয় উদয়ন গুহকে অনুরোধ করছি। আজকে আমরা রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে ওনাদের নির্দেশে সারা রাজ্যের সঙ্গে আমরা কুচবিহার থেকেও তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা আজকে ত্যর্থহীন ভাষায় প্রতিবাদ জানাচ্ছি, ধিক্কার জানাচ্ছি। বিজেপি যে পশ্চিমবাংলাকে নিয়ে নোংরা রাজনীতি করছে তার বিরুদ্ধে, আপনারা জানেন গত বিধানসভা নির্বাচনে ওরা অনেক আশা করেছিল 200+ হবে, আমরা সেদিনও বলেছিলাম ওরা 80 সীমারেখা ডিঙ্গাতে পারবে না। এই যে তৃণমূল কংগ্রেস যেটা কথা বলেছে সেটাকে বাস্তবে রূপদান দিয়েছে মমতা ব্যানার্জি এবং আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা, এটাকে ওরা সহজে হজম করতে পারছে না। তাই বাংলাকে কি করে আরও টুকরো টুকরো করা যায় তার একটা চক্রান্ত চলছে। আপনারা সবাই জানেন দার্জিলিং নিয়ে কি নোংরা রাজনীতি করেছে বিমল গুরুমরা, সেদিন ওদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এখন বিমল গুরুমরা বাস্তবে এসেছে, বলছে দিদির পথেই সঠিক পথ, দিদি যে উন্নয়ন করেছে সেই উন্নয়নই আমাদের সঠিক পথ, এই জন্য সব ভুলে ওরাও মমতা ব্যানার্জির ছত্রছায়ায় চলে এসেছে। কিন্তু তার এই যে দীর্ঘদিন বিজেপির দ্বারা ওরা প্রভাবিত হয়ে দার্জিলিংয়ের যে কত ক্ষতি হয়েছে, কত যে প্রাণ গিয়েছে আপনারা সবাই জানেন, আমরা সেটা প্রত্যক্ষভাবে দেখেছি দার্জিলিংয়ের রাজনীতিতে। তাই আমরা আবার নতুন করে উত্তর বাংলায় রক্তক্ষয়ী আন্দোলন হোক এটা আমরা চাই না। কিছু বিচ্ছিন্নতাবাদী যে যারা মাথা তারা দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেস রুখে দাঁড়াবে এই কারণে, এবং বাংলা আমরা কোনো অবস্থাতেই ভাগ হতে দেব না। আমরা দেখছি যে তাদের নিজেদের দলের মধ্যেই এ ব্যাপারে ঐক্যমত নেই, তাদের একটা অংশ যেমন আলাদা রাজ্যের দাবি করছেন, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের দাবি করছেন, পাশাপাশি বিজেপির বিধায়করাই অনেকে বলছেন যে আমি এর সাথে একমত নই, আমরা এই ধরনের কথা বলিনি, দল আমাদের এ কথা বলেনি। অর্থাৎ মানুষকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা হচ্ছে, একদিকে বলা হচ্ছে আলাদা রাজ্যের কথা, আর একদিকে কেউ কেউ বলছেন যে আমরা এই ধরনের কথা বলিনি। আমাদের নেত্রী, আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন যে আমরা রক্ত দিয়ে বাংলা ভাগের চক্রান্তকে রুখব। আজকে কুচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও আমরা আমাদের নেত্রীর সাথে সুরে সুর মিলিয়ে এই বার্তাটা রাজ্যের মানুষ, উত্তরবঙ্গের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চাই যে আমরা রক্ত দিয়ে বাংলা ভাগের যে চক্রান্ত সেই বাংলা ভাগের চক্রান্তকে রুখব। একবার বাংলাকে ভাগ করে বাংলাকে দুর্বল করা হয়েছে, নতুন করে যারা বাংলাকে ভাগ করতে চায় বাংলার বুকেতেই তাদের স্থান নেই, তারা সেটা বুঝতে পারছেন। আজকে দক্ষিণবঙ্গে মুছে গেছেন, উত্তরবঙ্গে কিছু আসন পেয়ে তারা এই উত্তরবঙ্গকে একটা আলাদা রাজ্য তৈরি করবার স্বপ্ন দেখছেন। উত্তরবঙ্গের মানুষ, সারা পশ্চিমবাংলার মানুষ রাস্তায় নেমে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। बाजारों में लोगों की भीड़, स्वस्थ नियमों की परवाह नहीं। कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए राज्य सरकार की ओर से लागू स्वस्थ नियमों को भुलाकर लोग बाजारों में भीड़ जमा करने शुरू कर दिए हैं।
जलपाईगुड़ी के विभिन्न बाजारों में रविवार को लोगों की भारी भीड़ देखी गई। इस दौरान लोगों द्वारा कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाते देखा गया। अधिकतर लोगों के चेहरे पर सही ढंग से मास्क नहीं लगे थे। सोशल डिस्टेंस की भी परवाह नहीं की जा रही थी। कैमरा देखकर कई खरीदार विक्रेता मास्क लगाते देखे। तो जहाँ भीड़ अवश्य टाइमर सब बढ़े जाच्छे, टाइमर डिस्टेंस मेंटेनेंस करे जाच्छे ना, ते की अवस्था मार्केटे एखन कोनो रकम तो केउ एगुलो लक्ष्य करछे ना। ये सबाई की भीड़ ब्रिजेर उपरे जे भीड़टा होच्छे তাতে সামাজিক ডিস্টেন্স কোথায়? না না কোথায়, দু একজন পড়ছে তো, তবে কিছু কিছু দোকানদারের মুখে আছে মাস্ক, আর কিছু কিছু লোক কেউ ঠিক মতন মাস্ক পড়ছে না, তো খুব সস্তা দিচ্ছে, কেউ 5 কিলো 10 100, কেউ 4 কিলো 100। कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को एक और बड़ा झटका। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 4-4 लाख रुपयों का मुआवजा देने से किया इनकार। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 4 लाख रुपए सहायता राशि दिए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर केंद्र सरकार ने कहा कि वह कोरोना वायरस की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दे सकती। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड-19 के पीड़ितों को 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आपदा प्रबंधन कानून में केवल भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं पर ही मुआवजे देने का प्रावधान है। सरकार ने आगे कहा है कि अगर एक बीमारी से होने वाली मौत पर मुआवजे की राशि दी जाए और दूसरी पर नहीं, तो यह पूरी तरह से गलत होगा। हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि सभी कोरोना पीड़ितों को मुआवजा का भुगतान राज्यों के वित्तीय सामर्थ्य से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में याचिका पर सुनवाई कर रहा है। जान जोखिम में डालकर कोरोना मरीजों की सेवा करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को किया गया सम्मानित, दिया गया प्रमाण पत्र एवं मेडल। उत्तर बंगाल के विशेष जन स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुशांत कुमार रॉय ने स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग से जुड़े डॉक्टरों, नर्स, आशा कार्यकर्ताओं और सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। स्वास्थ्य कर्मी करीब 1.5 साल से कोविड अस्पताल और सेफ होम में कोरोना मरीजों की सेवा लगातार रूप से कर रहे हैं। जलपाईगुड़ी जिला अस्पताल के DRM कक्ष में प्रत्येक प्रखंड के स्वास्थ्य अधिकारियों, नर्सिंग अध्यक्षों एवं अन्य अधिकारियों को प्रमाण पत्र एवं मेडल प्रदान किया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सम्मानित किए जाने से स्वास्थ्य कर्मी काफी खुश है। इस अवसर पर जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी रामेंद्र नाथ परमाणिक, सुपर गैर अमनस्कर सहित अन्य स्वास्थ्य अधिकारी उपस्थित थे। आज के जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्सरा जलपाईगुड़ी जिलार समस्त ब्लक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सब डिविशनल हॉस्पिटल समस्त फ्रंटलाइन वार्कार्स कोविड योद्धा हिसाब से संवर्धना जानाले DRS हले, ताते आमरा सकले खूब खुशी एवं आनंदित, कारण आमरा विगत 1.5 बचर धरे कोविडेर बिरुद्धे लड़ाई करे जाच्छी, किन्तु एतदिन पर आमादेर माननीय SD सर सुशांत राय तार परामर्शे एवं एते जे आमादेर पुरस्कार देवा हयेछे आमरा प्रत्येके खुशी। आमादेर काजे जे एक्नॉलेजमेंटटा हलो আমরা করে যাচ্ছি, সেজন্য আমরা মনোবল আমাদের যথেষ্টই ছিল এবং যতদিন পর্যন্ত কোভিড কেন যে কোনো রোগ থাকবে আমাদের থাকবে, আমরা কাজ করে যাব। তবে এটাতে অবশ্যই একটা বাড়তি পালক যোগ হলো যে আমরা কোভিড যোদ্ধা হিসেবে কাজ করছি, তার একটা পুরস্কার পেলাম, এটা আমাদের মনের জন্য অনেকটাই বাড়িয়ে। সেটা হচ্ছে যে বিগত 1 বছর 3 মাস ধরে স্বাস্থ্য দপ্তরের সমস্ত লেভেলের কর্মীরা, যে আপনার আশা থেকে শুরু করে NM থেকে শুরু করে নার্সিং স্টাফ, বা এদিকে আপনি স্ক্যাভেঞ্জারদের কথা বলুন, ওয়ার্ড বয়, ওয়ার্ড গার্ল, সিকিউরিটি, যারা জীবিকে গাড়ি চালায়, বা যে সমস্ত দোমরা ডেড বডি ইয়ে করে, বা ডেড বডির যে গাড়ির চালকরা রয়েছে, ট্রেমেন্ডাস একটা কাজ করে চলেছে এবং অদ্ভুত ধরনের এনারা কোনোদিন কিছু চান না আমাদের কাছে। কিন্তু আমার যেন মনে হয়েছিল যে খুব সঙ্গতভাবে মনে হয়েছে যে এখন আর অন্য কোনো রোগ নেই, শুধু একটাই রোগ, সেটা হচ্ছে কোভিড। এই কোভিড করতে গিয়ে প্রত্যেকে একটু চাইছে যে কিছু আলাদা কিছু হোক। আপনারা জানেন আমরা মাঝে মাঝেই স্টাফদেরকে নিয়ে একটা কোনো অনুষ্ঠান করি তাদের মনোবলটাকে তুঙ্গে রাখার জন্য। আজকে যেটা অ্যাপ্রিসিয়েশন করা হলো খুব টোকেন প্যাটিলি, এটা তো খুব বড়ো কিছু নয়, একটা আমরা মেডেল দিয়েছি প্রত্যেকটি স্টাফকে। আমাদের যত 4,500 থেকে 5,000 যা স্টাফ হেলথ ডিপার্টমেন্টে যারা আছেন প্রত্যেককে আমরা একটা করে মেডেল দিয়েছি, আমরা একটা করে অ্যাপ্রিসিয়েশন লেটারও দিয়েছি। এগুলো হচ্ছে বাড়িতে রাখবে, হ্যাঁ, তাদেরও নিজেদের মনে হবে যে না ঠিক আছে ডিপার্টমেন্ট আমাদের জন্য ভাবে। আমরা সত্যিভাবে আমি পার্সোনালি
শুধু জলপাইগুড়ি আছে, সারা উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন হসপিটাল পর্যন্ত ঘুরেছি। শুধু নয় যে আমি জেলা জেলাতে গিয়ে কথা বলে এসেছি, যেমন চাঁচলে গিয়েছি, ওখানকার স্টাফদের সঙ্গে আমি মিলেছি, এরকমভাবে বিভিন্ন কালিয়াগঞ্জে গিয়েছি, কালিয়াগঞ্জ হসপিটালে আমি মিলেছি, ইসলামপুরে গেছি, আমি বিভিন্ন হসপিটালে এদিকে আলিপুরদুয়ার কুচবিহার দিনহাটা গেছি, তুফানগঞ্জ গেছি, কিছুই নেই, স্টাফদের পাশে থাকা, তাদের মনোবলটাকে একটু বাড়ানো। আজকে আমরা যেটা করলাম আমাদের ছোট্ট একটা প্রয়াস এবং আজকের অনুষ্ঠানটা শুধু এখানে নয়, আজকে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতেও হবে, হয়তো ডেট ভাগ করে করে হবে, স্বাস্থ্যকর্মীদের একটা উৎসাহ দেওয়ার জন্য। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा, पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे, डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स, तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1-800-572-9851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम शील्ड सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जिप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। आर यू ड्रीमिंग टू वेक अप अंडर द कामिंग टर्किश स्काइज? मेक इट अ रियलिटी एंड ब्रिंग होम द टर्किश कलेक्शन फ्रॉम रॉयल ओक। Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50-70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किम को अनुपम उपहार संजीवनी विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि, जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। संजीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान है और सामान लाने का समय नहीं है, तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A-Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A-Z तक। SK Live ही बेस्ट ऑप्शन है। SK Live का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पश्चिम बंगाल में फिर से शुरू हो सकती है वोटों की गिनती, भारतीय जनता पार्टी जा सकती है कोर्ट, दिलीप घोष ने दिए संकेत। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हलचल शुरू हो चुकी है। दरअसल बीजेपी जल्द ही ये फैसला ले सकती है, जहां वहां TMC से कम अंतर से हारी है, वहां फिर से मतगणना कराने को लेकर कोर्ट का रुख किया जाए या नहीं। बीजेपी चाहती है कि नई जगहों के वोटों की गिनती फिर से की जाए। भाजपा इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि पार्टी उन सीटों पर पूर्ण गणना का विरोध अदालत से करने के विकल्पों पर मंथन कर रही है, जहां भाजपा हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव के दौरान
बेहद कम मतों के अंतर से पराजित हुई। दिलीप घोष ने मुर्शिदाबाद में संवाददाताओं से कहा, हम इस मुद्दे पर अपने वकीलों से चर्चा कर रहे हैं। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस ने नंदीग्राम समेत 5 सीटों पर वोटों की दोबारा गिनती किए जाने का अनुरोध करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका भी दायर की थी। इंसानी दिमाग, सड़कों पर डिवाइडर पर हो रही है सब्जियों की खेती। इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, बस ऊंची सोच और कर गुजरने का हौसला होना चाहिए। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिला। यहां राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के डिवाइडर में विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती की जा रही है। आज कुछ इस तरह के दृश्य हमारे कैमरे की फ्रेम में कैद हुए। गौरतलब है कि राजमार्ग अधिकारी उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा ब्लॉक में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर फूल का पौधा लगाकर इसका सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। लेकिन इस अजीब दुनिया में लोगों के दिमाग में नए नए आइडिया आते रहते हैं। लोग सड़कों पर लगे डिवाइडर में शानदार तरीके से खेती कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के डिवाइडर में धान, भिंडी, शाक समेत विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती की जा रही है। लेकिन सरकारी जमीन पर कब्जा करना और उस पर खेती करना सरकार के खिलाफ और कानून के खिलाफ है। इसके अलावा राजमार्ग अधिकारियों ने इस डिवाइडर के दोनों किनारों पर सुंदर फूलों के पौधे लगाए हैं। डिवाइडर में लगे सरसों के फूलों की सुंदरता तो देखने को बनती है। इसके साथ ही यहाँ विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए। देश में कोरोना वायरस के 24 घंटों में 58,562 नए मरीज मिले, 87,493 लोग हुए ठीक, लेकिन 1,537 लोगों ने गवाई अपनी जान। देश में शनिवार को कोरोना वायरस के 58,562 मामले सामने आए और 87,493 लोग ठीक भी हुए। बीते 24 घंटों में और 1,537 लोगों की मौत हो गई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 30,518 की कमी आई है। राहत की बात यह है कि 24 घंटों में मिले नए संक्रमितों की संख्या पिछले 81 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 30 मार्च को 53,237 नए मामले सामने आए थे। देश में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 2.98 करोड़ पहुंच चुकी है और अब तक 2.87 करोड़ लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब तक 3.86 लाख लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 7.24 लाख लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। कूचबिहार में कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर 2 वर्ड कंटेनमेंट जोन घोषित। कूचबिहार में कोरोना वायरस के नए मामले बढ़ने के साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या अधिक होने के कारण दिनहाटा शहर के 2 वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। नगरपालिका की ओर से शनिवार को दोनों वार्डों के विभिन्न स्थानों में बैनर लगाकर उन्हें कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही लोगों से घर से बाहर निकलने के दौरान सभी स्वास्थ्य नियमों का पालन करने का अनुरोध किया गया है। नगर निगम सूत्रों के मुताबिक शहर के वार्ड नंबर 7 और 12 के कई इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इन 2 वार्डों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 100 से अधिक है। दिनहाटा शहर में अब तक कोरोना की दूसरी लहर से प्रभावित लोगों की संख्या 181 है। इनमें से आधे से ज्यादा इन 2 वार्डों के रहने वाले हैं। इसके अलावा दिनहाटा नगरपालिका क्षेत्र में अब तक इससे 21 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 14 लोगों की मौत इन 2 वार्डों में हुई है। कंटेनमेंट जोन के अलावा इलाकों में बैनर लगाकर शहरवासियों को जागरूक रहने का आह्वान किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।